सब्सक्राइब कीजिए जी किसान चैनल को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिश्रण एनपीके 05234 के बारे में। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या है मिश्रण 05234, क्या है मिश्रण 05234 के अंदर कंटेंट, मिश्रण 05234 का क्या है काम, मिश्रण 05234 को कौन कौन सी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं, मिश्रण 05234 का क्या है काम अपनी फसलों में, फसलों में मिश्रण 05234 को कब छिड़काव करना चाहिए, क्या है मिश्रण 05234 का डोज यानी कि मात्रा, मिश्रण 05234 को किस किस के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, क्या है मिश्रण 05234 का पैकिंग साइज यानी कि मार्केट में कितनी पैकिंग साइज में आपको आसानी से मिल जाता है, इन सब पर हम आज बात करेंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त गौरीशंकर शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी किसान पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और पास में दिख रही घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की खेती किसानी से जुड़े नए नए वीडियो समय समय पर आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। मिश्रण 05234 गर्डा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का उत्पाद आता है, जिसको मार्केट में किसान भाई मिश्रण 05234 एनपीके के नाम से जानते हैं। फसलों में दानों में चमक वे वजन बढ़ाने और अधिक उत्पादन दिलाने के लिए एनपीके यानी कि पीके मिश्रण 05234 का उपयोग किसान भाई अपनी फसलों में करते हैं। मिश्रण पीके यानी एनपीके में पहला अंक नाइट्रोजन को दर्शाता है, दूसरा अंक फास्फोरस को दर्शाता है, वे तीसरा अंक पोटेशियम को दर्शाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एनपीके यानी कि 05234 में एन यानी नाइट्रोजन आता है 0%, फास्फोरस आता है 52% और के यानी पोटेशियम आता है इसमें 34% के साथ। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आते हैं यानी सूक्ष्म पोषक तत्व भी आते हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं। तो मैग्नीशियम भी आता है, बोरोन आता है, कॉपर, फेरस, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गाढ़ा हरे रंग का द्रव्य में कन्वर्ट किए हुए आता है। किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मिश्रण 05234 गाढ़ा हरे रंग का द्रव्य आता है। जो हम बोतल को खाली करते हैं तो 50 से 60% तो खाली हो जाता है, लेकिन 40 से 50% पीछे से सतह पर या पेंदे पर चिपका रह जाता है। लेकिन जब आप उसके अंदर पानी डालकर हिलाएंगे तो सारा लिक्विड यानी कि गाढ़ा द्रव है वो बाहर निकल जाएगा। सरल भाषा में कहें तो मिश्रण की बोतल को अच्छी तरह से हिलाना है, फिर यूज करना है। मिश्रण 05234 के अंदर कंटेंट आता है, उनका क्या है काम। तो दोस्तों, मिश्रण में सबसे पहला अंक नाइट्रोजन 0% आता है, तो मैं इसका बात नहीं करूंगा। इसमें दूसरे नंबर पर आता है पी यानी कि फास्फोरस, तो पौधे की जड़ों का विकास हुए जड़ों के फैलाव को बढ़ाता है, पौधे में सारा प्रदान करता है, दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण एवं गांठों की संख्या को बढ़ाता है, पौधे में कलियां, फूल व बीजों तथा फलों के विकास व दाना बनाने में मदद करता है, भूसे यानी कि चारे की तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं के यानी पोटेशियम की, तो पौधे को सूखने से बचाता है, भूसे यानी चारे व दाने में चमक लाता है, पौधे में मजबूती प्रदान करता है, कीट एवं रोगों के प्रति सहन करने की क्षमता प्रदान करता है, सब्जी वर्गीय फसलें जैसे आलू में शर्करा व स्टार्च व प्रोटीन को बढ़ाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि मिश्रण 05234 को कब फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, 05234 का छिड़काव वानस्पतिक स्टेज यानी कि जब फसलों में फूल फल या बाली बनते समय छिड़काव करना चाहिए।
दोस्तों अगर आपने इसके भाई यानी कि 13045 NPK का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कोने में दिख रही आई बटन को दबाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है तो आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों मिश्रण 05234 को आप लगभग सभी प्रकार की फसलों में छिड़काव कर सकते हैं, जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, सरसों, इसबगोल, जीरा, सौंफ, धनिया, गेहूं, मेथी, लगभग तमाम प्रकार के जो फसलें आती है उनमें आप डाल सकते हैं। यानी देसी भाषा में कहें तो सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय, फूल वर्गीय, फल वर्गीय फसलों में इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों मिश्रण 05234 को आप सामान्यतः काम में लिए जाने वाले इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, फंगिसाइड यानी कि फफूंदी नाशक या किसी भी टॉनिक या PGR टॉनिक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डोज की, तो 1 लीटर पानी में आप आधा ML से 1 ML वे प्रति एकड़ यानी कि 150 से 200 लीटर पानी में आप 150 से 200 ML वे 300 से 400 लीटर के पानी में आप 500 ML लेकर छिड़काव कर सकते हैं। और बात करते हैं 15 लीटर के पंप की, यानी कि 15 लीटर पानी में आप 15 ml या 10 ml लेकर छिड़काव कर सकते हैं। मिश्रण के पैकिंग साइज की बात करें तो 500 ml के पैकिंग साइज में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सावधानी की, तो मिश्रण का उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से इस डब्बे को हिलाना है, वे गोल को अच्छी तरह से हिलाना है या बनाना है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव सावधानी पूर्व करें। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भूखे पेट ना करें, यानी कि कुछ खाना खाकर ही छिड़काव करें। कीटनाशक दवाइयों के खाली डब्बों को तुरंत नष्ट कर दें या उन्हें जमीन में गाड़ दें। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव उस समय ना करें जब मधुमक्खियां स्वतंत्र रूप से इधर उधर उड़ रही हो। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ मिश्रण 05234 का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल व सुझाव नहीं रहने चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग सभी प्रकार की जानकारी आपको बता दी है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल व सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको आपके सवाल का जवाब वहां पर जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व जी किसान YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और किसान भाइयों को वीडियो भेजने में मदद जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।